एक सिद्ध बाबा जी थे और उनको पता चलता था कि आगे क्या होने जा रहा है, और उनको पता चल गया अपनी दिव्य दृष्टि से कि अगले जन्म में वो बाबा जी सुअर बनने जा रहे हैं, पिग। तो उन्होंने अपने शिष्य को बुलाया, बोला देख मैं मेरी कुछ दिनों में मृत्यु हो जाएगी। तो वो शिष्य रोने लगा, बोला रोने की बात नहीं है, लेकिन मेरा जो अगला जन्म होगा वो इसी मोहल्ले में एक सुअर के शरीर में होगा। तो शिष्य ने बोला बाबा जी लेकिन हम आपको पहचानेंगे कैसे? तो बोला शिष्य को तुम्हें करना क्या है, जैसे ही मैं सुअर के रूप में जन्म लूंगा तलवार लेके मेरी गर्दन काट देना तुम। तो शिष्य ने बोला बाबा जी लेकिन ये तो बताओ पहचाने कैसे आप? तो बाबा जी ने बोला देखो मैं उन सुअरों में सबसे ज्यादा सुंदर हूंगा और मेरी बड़ी सुंदर पूंछ होगी, मेरी तीखी नाक होगी और मेरी नाक के पास एक मस्सा भी होगा, तो मुझे ऐसे करके पहचान लेना तुम, और जैसे ही मैं उस सुअर के शरीर में आऊं तुम तलवार से मेरा गला काट देना और मुझे मुक्त कर देना उस योनि से। तो शिष्य ने कहा ठीक है बाबा जी। तो कुछ समय के बाद गुरु जी जो थे बाबा जी उनकी डेथ हो गई, उनकी मृत्यु हो गई और सब ढूंढने लगे अब बाबा जी कहाँ गए। तो सब आसपास के सब जहां पर जाकर देखने लगे, कोई नया सुअर ने जन्म लिया है, कोई नए सुअर के बच्चों ने जन्म लिया है। तो एक मिल गया जैसा डिस्क्रिप्शन बाबा जी ने दिया था वैसा ही, उसकी रेशम जैसी पूंछ थी और उसके उसकी तीखी नाक थी, उसके पास एक मस्सा भी था। तो देखते ही शिष्यों ने प्रणाम किया, बोला गुरु जी दंडवत प्रणाम, और अपनी तलवार निकाल ली। गुरु मुखा पद्म वाक्या चिते ते कोरिया एक क्या आर न करी हमने आशा। तो रतनदास ठाकुर जी कहते हैं गुरु के मुख से निकले हुए वाक्यों को हृदय में धारण कर लेना चाहिए, इसके अलावा हमें और कोई आशा नहीं करनी चाहिए। तो गुरु जी ने कहा था मेरे जन्म के बाद मुझे तलवार से मार देना। तो जैसे ही तलवार निकाली तो अब वो सुअर के शरीर में गुरु जी बोलने लगे रुको रुको रुको, मैंने निर्णय बदल दिया है, तुम मुझे नहीं मारोगे अब, मुझे ये जीवन अच्छा लग रहा है, मुझे इस शरीर में अच्छा लग रहा है। तो यही है आत्मा की स्थिति, हम जिस भी प्रकार के शरीर में जाते हैं हम उससे आसक्त हो जाते हैं। तो भौतिक जगत को भगवान ने ऐसा बनाया है कि ये हर जीव को सुंदर दिखाई देता है, यहाँ तक कि सुअर को भी एक पिग को भी ये भौतिक जगत अच्छा दिखाई देता है, उसकी ऐसी आसक्ति रहती है। लेकिन जो शुद्ध भक्त है, जिसके पास ज्ञान चक्षु है, जो वास्तविकता को जानता है, तत्वदर्शी है, वो इस संसार को देखकर रंच मात्र भी प्रभावित नहीं होता।